नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उससे पहले कुछ चीज़ें जो पिछला लेक्चर था, इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, उसमें कुछ चीज़ें जगह जगह थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई थी, आप लोग उसको सुधार लीजिए पहले तो, ठीक ना, उसको सही कर लीजिए, हो जाता है कभी कभी, और कोशिश करेंगे कि ये दोबारा ऐसा ना हो। और ये अच्छी चीज़ है कि हमें समय पे याद आ गया। और ये पहली चीज़ तो जो आइसोबार में हम लोग एक पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा, पीछे वाला लेक्चर जरा सा मिला लीजिएगा, अपने नोट्स में इसको सही कर लीजिएगा। आइसोबार में एक जगह हमने एग्जाम्पल लिया था आयरन और निकिल का, अगर आपने देखा होगा तो शायद याद आ जाए। इसका 26, इसका 58 वाला एग्जाम्पल, इसका होता 28, उसमें देखिए लिख दिया है हमने 27। एक तो इसको सही कर लीजिए, अगर आप लोग बहुत ध्यान से पढ़े होंगे तो शायद ये बात समझ में आएगी। ये 28 होता निकिल का, ठीक ना, एक इसको सही कर लीजिए। और दूसरी बात, आइसोटोन्स की जो स्पेलिंग जल्दी में लिख दी गई थी वो ये है ना, हमने एन लिख दिया था, सर इसको सही कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चंस थे शायद, जो हमने क्वेश्चन बहुत जोश जोश में हमने बताए थे तो वो छूट गया था, है ना। पहला वाला जो क्वेश्चन कराए थे कल पिछले लेक्चर में, वो छूट गया था, जरा उसको पेपर कर लीजिए आप लोग। दो क्वेश्चन हैं जिसमें एक ऑप्शन ए सही था, हमने बी सही करवा दिया था उसको, मतलब जल्दीबाजी में हमने उस पर बी लिख दिया था और सही था ए। तो जरा वो दोनों क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं उस पर, ठीक है। देख तो इसको सही कर लीजिएगा, देखिए क्या होता है ना, गलतियाँ हो जाती हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है, पर इसको सुधार लेना सबसे ज़्यादा बड़ी बात है ना, इसको तुरंत जो है सुधार लेना, इसको बाद में हमें ध्यान आया। और अक्सर ये होता है कि गलतियां याद आती है जरूर। क्वेश्चन नंबर वन था, देखिए जरा इसको, फ्रॉम द फॉलोइंग, अगर आप लोगों ने कल वाला लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको याद होगा, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस, विच वन इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, यही था क्वेश्चन। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, तो इसमें जो पहला ऑप्शन था इसको शायद हमने कराया ही नहीं क्वेश्चन, ये लिखा उसके बाद कुछ बातें बताई और फिर हम आगे बढ़ गए थे Mn+2, फिर उसके बाद ऑप्शन बी O-2 F-1 यानी माइनस सिर्फ, और जो सी ऑप्शन है वह सोडियम प्लस, प्लस का मैग्नीशियम Mn2+, और जो डी ऑप्शन था वो था Mn+2 और साथ में Fe+3। कह रहा कि इसमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए इसका कितना होता है 26, इसका कितना होता है 25, पहले एटॉमिक नंबर सबका आना चाहिए, इसका कितना होता 8, इसका 9, इसका 11, 12 और इसका 25 और ये 26, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए इसमें, अच्छा ये हमने बताया था कि जब माइनस होता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, उसको भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रॉनिक में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में उसको काउंट करते हैं। या 8 था, 2 इसने ले लिया, कितना हो गया 8 2 10, 9 ले लिया, 8 2 10 9 1 10, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। फिर आ जाइए इसमें, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, हमने बताया था जब प्लस होता है तो यानी एक इलेक्ट्रॉन वो निकल जाता है, इसमें 10 हो जाएगा, इसमें भी 10 हो जाएगा। इसमें देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, निकाल दिया, तो कितना हो गया इसके पास 25 में 2 गया 23 हो जाएगा, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो भी कितना हो जाएगा 23, यानी ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए 26 में से 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और यहाँ से 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 23। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक, ये 26 और ये 25, जब इसमें से 2 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 24, और इसमें से 2 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से 25 वाले में से 2 इलेक्ट्रॉन, बोला गया ना Mn+2, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 23, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। और एक क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन बी हमने लगा दिया था, लेकिन बताया था कि ए सही होगा, है ना, उसको भी नोट कर लीजिए एक बार फिर से। कह रहा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर
आइसो, कल बड़ा जल्दी में थे तो बाद में याद आया कि ये तो गलत हो गया है। और नीट में गलती जो है बहुत मायने रखती है कि अगर गलत हो जाए चीज़ें, अगर आप लोग गलत याद रख लेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो हम ये बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। जो गलत हो गया है उसमें हम बहाना कर दें या फिर ये कह दें कि वो हो जाता है, ऐसा नहीं, गलत तो गलत, उसको सुधारा जा सकता है। ये एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें एकदम बखूबी सारे नोट्स सारे लेक्चर देख के उसको सुधारा जा सकता है, ठीक ना, ये ज़रूरी चीज़ है। तो पहला ऑप्शन इसमें ए कह रहा सी ओ सी एन माइनस एन ओ प्लस सी टू माइनस, बी सी ओ माइनस सी एन एन ओ सी टू माइनस, और ऑप्शन सी है सी ओ प्लस सी एन प्लस एन ओ माइनस सी टू, और ऑप्शन डी है सी ओ सी एन एन ओ यानी नाइट्रोजन और ये सी टू। ठीक, जरा देखिए इसको, इसका छः इसका आठ इसका छः इसका सात और इसका आठ और इसका छः छः बारह, यानी इसमें बारह हो जाएगा टोटल। देखिए जरा, आठ छः चौदह यानी इसमें चौदह इलेक्ट्रॉन, सात छः तेरह एक चौदह इलेक्ट्रॉन यानी फोर्टीन इलेक्ट्रॉन, आठ सात पंद्रह और एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किया निकल गया, कितना हो जाएगा चौदह इलेक्ट्रॉन। आइए देखिए, बारह और दो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया चौदह इलेक्ट्रॉन, तो कह रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन, ये वाला ऑप्शन सही था, हमने इसको टिक करा दिया था। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या देखने की जरूरत, जब हमारा पहले से ही काम कर गया, आप देखेंगे तो उसमें भी आ जाएगा, यही जोड़ दीजिएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगली हेडिंग है हमारी ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो हेडिंग डाल लीजिए फिर आगे चलते हैं, और कहीं पर कोई गलती हो तो उसको बुक से देख के, क्वेश्चन बुकलेट से देख के, अपने पेपर से देख के उसको सुधार लीजिएगा। लिखने में हो सकता है या बोलने में हो सकता है कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप इसको कोशिश ये करिएगा कि सुधार लीजिएगा कहीं से देख के, वरना हम कोशिश ये करेंगे कि दोबारा ऐसा ना हो, और बेहतर जितना परफेक्ट हो सके उतना हम कोशिश करेंगे। और रही बात थोड़ी बहुत हाथ से लिखने में स्पेलिंग वगैरह, हाँ हो सकता है कि एक आध कहीं छूट जाए या एक आध ना लिख पाए, तो जो बोलते हैं उस पर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ उसमें स्पेलिंग है। ठीक है, वो क्योंकि स्पीड में लिखना रहता है, टाइम यही लगता है कि टाइम जल्दी जा रहा है, ज़रा सा उसको गौर कीजिएगा तो उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, देखिए गलतियाँ बड़ी पाकिज़ा होती हैं, आप ये समझेंगे बाद में। गलतियाँ जिंदगी है, उसको खूबसूरत बना आप करिए, फिर आपको एहसास होगा, अगर ये एहसास हुआ तो, वरना ये तो है कि आप गलती करते जाइए आपको लगेगा जिंदगी खूबसूरत ना, उसका एहसास हो फिर उसके बाद ये हो कि उसका सुधार हो तो अच्छा लगेगा, है ना। तो हमारी हेडिंग है आज की ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, एनसीईआरटी बुक में ड्रॉबैक्स के बारे में बताया गया है, वही हेडिंग हम लोग लिखेंगे फिर उसको समझते हैं। तो हेडिंग है ड्रॉबैक्स, यही है ना ड्रॉबैक्स, हाँ ड्रॉबैक्स, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ना था, इसके पहले हो चुका था ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक, चलिए रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि ये जो एटम होगा उसमें एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते घूमते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन चूंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि एक छोटे से वॉल्यूम में सेंटर्ड होता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट में और ये लगातार घूमते रहते हैं, और इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहता है, हमेशा बना रहता है, ये इनका कंसेप्ट था रदरफोर्ड का, जो अपने कंक्लूजन में इन्होंने यही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह यानी जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है उसमें सेंटर्ड होता है, उसमें उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर कक्षा होती है जिसमें यानी कि ऑर्बिट होती है उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ,
और जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहते हैं, ठीक है। ये बातें इन्होंने बताई। अब रही बात कि ये फेल कैसे हो गया, मॉडल तो बड़ा प्यारा था इनका, अब सवाल आया कि ये फेल कैसे हो गया। तो देखिए, तो इनका जो मॉडल था वो किस पे बेस्ड था, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से मिलता जुलता। तो पहली लाइन पे ये लिख लीजिए कि रदरफोर्ड मॉडल वॉज रिसेंबल सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन, आप जब पढ़ेंगे ग्रेविटेशन फिजिक्स के 11th की बुक की, जो फिजिक्स के लास्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का, उसमें आपको एक ग्रेविटेशन टॉपिक मिलेगा। उसमें एक जगह बताया जाएगा आपको, या 9th में भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो, कि अगर एक मास m1 है और दूसरा मास m2, ये दोनों एट डिस्टेंस r पर अगर रखे होते, इसके चारों तरफ जो ये सोलर सिस्टम आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा हो, इसके चारों तरफ ये रिवॉल्व करता है, इनके इनके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, इनके इनके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। उसको लिखते हैं हम लोग एफ जी से, और ये लिख देते हैं जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर, जहां पे जी जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल 6.67 इंटू 10^-11, ये जो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान के जी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ये हमारा किसमें आता है, सोलर सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट में, कि दो मास एक दूसरे से, अगर दो मास यानी एक मास है और ये अगर इसके चारों तरफ ऐसे अगर रिवॉल्व कर रहा है यानी घूम रहा है इसके चारों तरफ, तो एक फोर्स से वो दोनों के बीच यानी दो मास के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ये होता है एम वन एम टू के बीच लगने वाला फोर्स। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप अगर पढ़ेंगे तो दो चार्ज होते हैं क्यू वन और यहाँ क्यू टू, अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो इनमें लगने वाला एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, एफ ई से डिनोट करेंगे इसको और कहेंगे के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, ये होता है। जैसा कि इसमें है, देखिए ये भी एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होते हैं और उसमें प्रोटॉन भी बैठा हुआ चार्ज पार्टिकल होता है, दोनों के बीच में इस तरीके का एक फोर्स काम करता है। वो सिमिलर है किसके, सोलर सिस्टम वाले, यानी कि सोलर सिस्टम वाले जो कंसेप्ट है, जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं दूसरे से, जैसे सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट उसका चक्कर लगाते हैं, आप इसको समझिए, यहाँ पे सन होता है तो इस तरीके से आपने देखा होगा मून है, मून तो अर्थ का चक्कर लगाता है ना भाई, अर्थ है और अर्थ इसके चारों तरफ क्या करती है, हमारे काम का यही है, बाकी हम लोग जियोग्राफी नहीं पढ़ रहे, इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो इसके बीच लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यह जनरली एक कंसेप्ट बताया गया जिसको गैलीलियो ने और बाकी साइंटिस्टों ने बाद में बताया था, केपलर लॉ वगैरह हम लोग इसी में पढ़ेंगे, कि उसके बीच दो मास रखे गए हैं m1 m2, इनके बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है कैपिटल जी m1 m2 अपन r स्क्वायर। इसी तरीके से दो चार्ज है, इसको कूलम ने बताया था सबसे पहले p1 q2 अपन r स्क्वायर, जहाँ k की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.9, लिखिए 9 सीधे 8.99 हम कर देंगे इसको 10^9। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर, यह यूनिट होती है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, सिर्फ इतना नोट। इसी में एक चीज देखिए तो आगे चलते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से चलिए आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं, तेरा आगे दूसरी बात, अगर आप ये देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ये या कोई बॉडी किसी रस्सी से बांधकर या किसी स्ट्रिंग से ऐसे इसके चारों तरफ अगर ये रिवॉल्व करे या कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे, यानी ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, इसकी डायरेक्शन यानी जो इसकी डायरेक्शन होगी बार बार चेंज हो जाएगी, यहां पर डायरेक्शन देखिए इस टाइप में, जब यहां पर आएंगे तो इस टाइप में, यानी ये वाली डायरेक्शन इधर की थी, ये वाली डायरेक्शन इधर की होगी, जब यहां पर आ जाएंगे तब, ठीक है ना, यानी डायरेक्शन बदलती है,
तो फिजिक्स में एक बात आती है कि चेंज इन द डायरेक्शन, अगर कोई मूविंग पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन बार बार बदलेगी तो यानी वेलोसिटी चेंज होगी, और चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, उसको एक्सीलरेशन कहा जाता है। यानी बॉडी क्या हो रही है, किसी ऑर्बिट में अगर मूव करे, इसको लिख दीजिए यहीं पर, अगर बॉडी किसी ऑर्बिट में क्या करे, बॉडी मूव इन द ऑर्बिट, इसकी जो क्या होगी डायरेक्शन चेंज होगी, है ना। तो इसका सीधे सीधे लिखिए, इसमें क्या होगा एक्सीलरेशन, क्यों, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि बार बार क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। बात समझ में आ रही, समझ में आ रही बात। सिमिलरली अगर न्यूक्लियस यहां पर है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अगर ये देखिए इस तरह की मूव कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे एक्सीलरेटेड, यानी इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सीलरेट कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट, समझ रहे हैं, एक्सीलरेट इन द ऑर्बिट। और अब ये जब बातें आ गई यहां तक, तो एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स में ट्वेल्थ में उसकी, उनका जो थियरी थी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, जब हम फर्स्ट सेकंड बुक पढ़े, सॉरी फर्स्ट ट्वेल्थ की फर्स्ट बुक पढ़ेंगे तो लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसी में आएगा मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट। तो मैक्सवेल ने बताया कि अगर ये देखिए, पहली चीज उन्होंने तीन बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ चार्ज पार्टिकल है, तो और केवल केवल क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ये मूव कर रहा है, ये क्या है स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, ये अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से पॉजिटिव है इसलिए बाहर की तरफ इस तरीके से, ठीक। अगर ये मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये क्या प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा, अगर ये चार्ज पार्टिकल क्या करे एक्सीलरेट करे, समझ आ रही बात, एक्सीलरेट करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। इस रेडिएशन में ये एनर्जी एमिट करता है ना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी इसमें से एनर्जी एमिट होती है, रेडिएट होती है, ठीक। इसमें एक रेडिएशन रेस निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एमिशन होता है, ये चीज। अब इसी को मैक्सवेल ने इस पे सेट कर दिया कि ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो चूंकि एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, और ये जाहिर सी बात है अगर ये एक्सेलरेट कर रहा होगा तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट कर रहा होगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें निकल रहे हैं, यानी कि कोई एक रेडिएशन विकिरण निकल रहा है चारों तरफ, रेडिएशन हो रहे हैं, इसका मतलब धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, और जब एनर्जी कम होती चली जाएगी तो ये लगभग 10^-8 सेकेंड में जो ऑर्बिट श्रिंक करते हुए और स्पाइरली इस तरीके से, इस चीज को जरा सा हम लोग वहां समझ लेते हैं, एक्सेलरेट करेगा, इतना आप बना लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं, अभी सारी चीजें हम लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे यहीं पर चलते हैं हम लोग, इस बात को आप समझ गए होंगे। इन्होंने ये कहा कि अगर ये चूंकि ये न्यूक्लियस है और चूंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, बिल्कुल होता है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, हमको ये पता है कि अगर ये मूव कर रहा है तो इसकी इसमें एक्सेलरेशन होगा, जब ये एक्सेलरेशन होगा इसमें, तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको लिख दीजिए प्रोड्यूस, है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कॉन्स्टेंट वेलासिटी से अगर है तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये देखिए कॉन्स्टेंट वेलासिटी से अगर है तो क्या प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ये क्या है चार्ज पार्टिकल, ये क्या है प्लस हो या निगेटिव हो जो भी दिक्कत नहीं, चार्ज पार्टिकल अगर है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मीनिंग ये उन्होंने कहा कि ये है क्या हमारे पास जो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है चूंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा ये, यानी एमिट करेगा रेडिएशन, एमिट रेडिएशन, इसके फॉर्म में एमिट रेडिएशन समझिए इसको, रेडिएशन
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब ये पार्टिकल यानी रेडिएशन एमिट करेगा, रेडिएशन मीन्स होता है एनर्जी, क्या होता है इसमें इन द फॉर्म रेडिएशन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, यानी वो एनर्जी को एमिट कर रहा है बार बार। तो इसका इन्होंने ये बताया कि ये थोड़ी ही देर में, बहुत कम समय में, ये जो न्यूक्लियस में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो देखिए ऐसे ये ऐसे 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 आके इस पर गिर जा रहा है। इसमें टाइम कितना लगेगा, 10^-8 सेकेंड के आसपास, इतने ही समय में ये तुरंत आके इस पर गिर जाएगा, मतलब ऐसे। फिर देखिए इधर से, बात समझा रही, ये जो इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट, ये इतनी तेजी से एनर्जी निकाल रहा है कि इसकी जो ऑर्बिट वो श्रिंक होती जा रही है और बहुत ही कम समय में स्पाइरली आके निकले इस पे ये स्ट्राइक कर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब इस जब होता नहीं है तो रदरफोर्ड इस बात को तो बता ही नहीं पाए, ये चीज तो नहीं बता पाए कि आखिर वो रुका ही रह गया ऐसा क्यों। इसका मतलब ये कुल मिला के ये हुआ कि यानी कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड, ये एक ड्रॉबैक है इसकी। ठीक, जो इसमें लिखने वाली जो बात थी वो लिखिए जरा, इसको बना लीजिएगा। अब लिखिए जरा, इसको रफ कर दे रहे हैं, अब बना लीजिए, इसको लिखिए। चलिए लिखिए, जो लिखने वाली बात है उसको लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, नोट करिए, नोट करते रहिए इसको यहां से। चलिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एक साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट रेडिएशन। ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट रेडिएशन, ये आर है आप समझ जाइएगा, ये पार्टिकल एमिट रेडिएशन, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, या इसी को हम लोग कह देते हैं एनर्जी, एनर्जी एमिट करता है एक तरीके से। ठीक है, देयरफॉर आगे लिखेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड इन ऑर्बिट एमिट रेडिएशन, या इसी को कहेंगे एनर्जी, ब्रैकेट में एनर्जी, रेडिएशन मीन्स एनर्जी। ठीक है, एंड द ऑर्बिट रेडिएशन, एंड द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक, यानी लगातार क्या होती जाएगी, छोटी होती है, श्रिंक करती जाएगी, है ना। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, श्रिंक का क्या मतलब, सिकुड़ना। ठीक है, यानी ये कम होती चली जाएगी श्रिंक। ठीक, एंड आगे, एंड इलेक्ट्रॉन ओनली 10^-8 सेकेंड में, ठीक 8 सेकेंड टू स्पाइरल इंटू द न्यूक्लियस, यानी ये क्या हो जाएगा, आके इस पे स्ट्राइक कर जाएगा न्यूक्लियस, इंटू द न्यूक्लियस, बट दिस डज नॉट हैपन। आगे लिखिए मोटा मोटा, बट दिस डज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा हुआ नहीं, हैपन। ठीक है, डज नॉट हैपन, देयरफॉर। अब ये देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात ये लिखनी थी, हम ये कह सकते हैं, अब इंपॉर्टेंट बात ये लिखनी है, इसको लिखिए। नंबर एक, पहली बात जिनके ड्रॉबैक नंबर एक, यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए क्या है कि रदरफोर्ड मॉडल, हम ये कह सकते हैं कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है,
फोर्ट्स, ठीक है ना। मॉडल, मॉडल कैन नॉट, ठीक, कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। समझ में आ रही, कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरी बात है ना, अब दूसरा इसका लिख लीजिए। अब दूसरी जो ड्रॉबैक थी वो ये है कि रदरफोर्ड मॉडल इज दैट, कुछ इन्होंने नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं या कैसे अरेंज होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। बस वो बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, उसको नोट कर लीजिए, ठीक, उसको नोट कर लीजिए। दूसरा ड्रॉबैक इसका रदरफोर्ड मॉडल इज दैट मॉडल इज दैट इट सेज, इट सेम भाषा है भाई, इट सेज नथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, यहां लिख दें, हाँ बिल्कुल, अराउंड द न्यूक्लियस, और साथ ही साथ एंड द एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, यही दो ड्रॉबैक हैं इनके, एंड एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दो ड्रॉबैक। पहला ड्रॉबैक किस बेसिस पे, एक तो मैकेनिक्स के बेसिस पे जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट लगाए गए, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेसिस पे, यानी चार्ज पार्टिकल एमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्सवेल के कॉन्सेप्ट पे, इन दो बातों पे ये फेल हो गया। तो कुल मिलाकर क्या निकला कि रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरी बात, रदरफोर्ड मॉडल इज दैट से नथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मतलब ये किस तरीके से अरेंज होते हैं, यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे या कैसे अरेंज होते हैं और इनकी एनर्जी क्या है, इसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए। तो ये इनके ड्रॉबैक थे। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका जो कंसेप्ट है ये यही है। ठीक है ना, हमने जो फिगर बताए थे समझाए थे वो, ये हो गया ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल के जो पृष्ठभूमि, यानी डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल, यानी वो डेवलपमेंट्स का मतलब होता है पृष्ठभूमि। एक क्या ऐसा क्राइटेरिया था या वो क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर बोहर्स ने अपनी एटॉमिक मॉडल की थ्योरी पेश करी, ठीक है ना, प्रपोज करी अपनी थ्योरी कैसे, तो उस चीज को हम लोग पहले पढ़ेंगे। यानी वो जो पृष्ठभूमि है, यानी वो जो पूरा उसका वो जो क्राइटेरिया है उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना, पहले उसको पढ़ेंगे, फिर आएगा हमारा बोहर का एटॉमिक मॉडल, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी तरह से दे रखा है, तो हम लोग एकदम बिल्कुल उसी के वाइज चलते हैं। ठीक, जो चैप्टर पढ़ेंगे बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन, और साथ ही साथ उसके एक एक चीज जो हेडिंग है उसके वाइज चलेंगे। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, और जो गलतियाँ थी हमने सुधार दी, उम्मीद होगी आपको समझ में आ गई होंगी और आपको अच्छा भी लगा होगा, गलतियाँ समय पर सुधर भी गई पिछले लेक्चर से और ये लेक्चर से। ठीक है, तो कहीं पर ऐसा अगर कुछ हो जाए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि यहाँ पर ये छूट गया या यहाँ पर ये छूट गया या यहाँ ये मिस्टेक है, आप बता सकते हो, उस पर आपको गौर किया जाएगा पूरा, और यही सही भी है और ये सही तरीका भी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज है उसमें अक्सर गलती होती है। किसी की कॉपी उठा लीजिए, किसी का नोट उठा लीजिए, सवाल लगाते समय कुछ छूट जाता है, एग्जाम पेपर लिखते समय कुछ छूट जाता है, या कुछ ज़्यादा लिख जाता है, 6 की जगह 7 हो जाता है ना, 28 की जगह जैसे हमने 27 लिख दिया था, तो ये हो जाता है। तो इस पर अमल किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी ये दोबारा ऐसा न हो, या हो भी तो ये ध्यान में रहे इसको सही भी किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।